भी मैं स्टंट मारते हुए लाता और आप बगल से जा रहे हैं, मेरे को पता नहीं चलता, आपको भी ठोकता, मैं भी कहीं फिका जाता, तो फिर दिक्कत है ना। अरे भाई खतरनाक जी भाई, अबे अबे कान फट गए थे भाई टनल में तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बज रहे हैं सुबह के 5, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। एंड चलो आज दिखाता हूँ आपको क्या क्या करेंगे हम लोग। तो मैंने अपने लियो को दे दिया कोल्ड स्टार्ट, ये देखो गाइस कोल्ड स्टार्ट दे दिया अपने लियो को। तो गाइस मैंने तो अपनी राइड शुरू कर दी है सुबह के 5 बजे, और किलोमीटर्स की जो रीडिंग हो रही है मेरी बाइक में हो रही है 4905 किलोमीटर्स। तो चलो एक बंदे को और बुलाया हूँ, अपना ही पुराना दोस्त है भाई ये, इधर मिलेगा अपना बंदा। अरे सॉरी भाई, तेरे को वेट करा दिया हल्का। और बता, बड़े दिनों बाद मिला यार तू, चल आजा भाई ने एग्जॉस्ट लगवा लिए। अरे तेरी भैंस की, क्या लगवा लिया भाई भाई क्रैकिंग्स मार रही है एक नंबर। गाइस ओहो निंजा 1000 SX गाइस देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, माय गॉड। आज ये चलाऊंगा मैं, खतरनाक वाली गाड़ी। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, आप एडवेंचर के ज़्यादा दीवाने हो या ऑब्वियसली प्रॉपर स्पोर्ट्स मशीन के। एक और आगे खड़ी है 1000 SX, आप उसके दीवाने हो भाई, उसके तो खैर पूरी जनता ही दीवानी जापानीज मशीन की। बट अभी हम फिलहाल बात करेंगे इन दो स्पेसिफिक सेगमेंट्स के बारे में, बिकॉज ये टारगेट करते हैं 390 सीरीज़ को, 300 सीरीज़ को। आप बताओ कैसी लग रही हैं दो बाइक्स। ओए होए 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 होए, तो गाइस मैं एडवेंचर बाइक्स वैसे बहुत कम चलाया हूँ, बट एक तो मेरे को 390 एडवेंचर अच्छी लगी थी काफ़ी, जो मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी, इट वाज रियली कूल। भाई इसकी आवाज़ बड़ी खतरनाक है गाइस मतलब जहाँ चलान नहीं करना होगा वहाँ पक्का चलान कट जाएगा। लेकिन भाई कुछ भी कह लो, ये एडवेंचर है ना, इसको चलाने का मज़ा अलग है, मतलब कहीं भी खड़े होकर चला सकते हो लाइक दिस। तो गाइस आज की मैंने स्टार्टिंग इसी के साथ रखी है, बिकॉज लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज ज़रूरी होता है, और वो चेंज अगर अच्छे के लिए हो तो तब तो भाई सुभान अल्लाह। ओ गाइस साउंड सुनो यार आप एक बार, भाई मजा आ गया चला के, बढ़िया भाई। कैसी लगी? खतरनाक थी भाई, अबे कान फट गए थे भाई टनल में तो। गाइस ये देख लो यार, पुलिस चैन से खड़ी भी नहीं होती देती यहाँ पे, क्या बोले इन लोगों को, ये लोग समझते नहीं है। तो गाइस रेडी हैं हम चलने के लिए स्टार्ट। भाई एग्जॉस्ट नोट सुनाना चालू कर दिया लड़के ने। ओ भाई गाइस लिटरली बहुत मजा आ रहा है आज तो, एटलीस्ट 2 वीक के बाद कहीं निकले हैं हम आज राइड करने। वो गए सब। तो गाइस बात ऐसी है ना कि आज
जैसे काफ़ी दिनों बाद राइड कर रहे हैं, और जब इतने ज़्यादा लोग मिल जाते हैं ना तो एक अलग ही थ्रिल, एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। एंड क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। बट हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलना पड़ता है कि कहीं कोई किसी को दिक्कत ना फेस हो रही हो, कहीं कोई पीछे ना छूट गया हो। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस। द क्रैकिंग एक्रा साउंड बहुत तेज चला गया। सो गाइस, ये हल्की सी मैंने टॉप एंड खींचने की कोशिश की, आप बताना आपको कैसा लगा वीडियो में। भाई की गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया था, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी देर से एक्चुअली हम वेट कर रहे थे। देखो 6:20 हो गया एंड सनराइज भी इधर से हो रहा है। भैया धूप बड़ी अच्छी निकल रही है, लेकिन इससे हमारी वाट लग जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी राइड जितनी जल्दी हो सके कम्प्लीट करके घर भाग जाएँ, इससे पहले सूर्य देवता अपना रौद्र रूप दिखाएँ। यार अपना भाई सैड हो गया यार। यार गाइस, गाड़ियों में जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो अपने जैसा बंदा जिसकी भी बाइक होती है ना यार, वो उसका बेचारे का मूड ऑफ हो जाता है यार। उसका क्या यार, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो। गाइस ये देखो, ये जगह इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब पूरा एकदम हिमाचल वाली फील आ जाती है। बट कह सकता हूँ थोड़ी बहुत हिमाचल की फील आ ही जाती है, इतनी भी पूरी नहीं कहूँगा कि पूरी ही आती है, थोड़ी बहुत। तो गाइस हम पहुँच गए हैं यहाँ, टेंशन नाले बन जाएगी। खर्चा तो मोटा ही आएगा। 14,000 का हेड राइडर बताया था कंपनी वाले। देख मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुझे गाड़ी की लाइफ सही रखनी है ना, तो तेरे साथ सीन ऐसा है कि तू गाड़ी को जितना स्टॉक रख सके रख ले, उसमें तभी तेरी भलाई है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, देख सकते हो 9 भी नहीं बजे हैं एंड एकदम आफत वाली गर्मी हो गई है। भाई साहब गाइस, ये होती है खतरनाक कॉर्नरिंग। गाइस अभी मैं और हर्षित आ गए हैं, बस द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ने वाले हैं, फिर अपने अपने घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। और भाई यहाँ की रोड्स बहुत ख़राब है, स्पेसिफिकली इसकी एडवेंचर के लिए ही बनी है यहाँ की रोड्स लग रहा है। साढ़े चार लाख की, 5 लाख। BMW का शोरूम कहाँ है? नारायणा। उसी का बता रहा हूँ, नारायणा। मेरा तो राजीव चौक है, राजीव चौक मेरे वाली का। हाँ चलने में तो बढ़िया होंगी, दमदार। अरे बहुत दम है, बहुत दम है, 180। 10-20,000 रुपए और लगा दोगे तो 200 भी चली जाएगी। अच्छा, वो लोंडा कहता है हमारा के दिलवा दो हमें दिलवा दो। मैं कहा यार लगा, वो चलाएगा। देखिए एक होता है चलाना और एक होता है बाइक का गलत इस्तेमाल करना।
जो चलानी है देखो, हम तभी भगाते हैं जब रोड खाली होती है ऐसी, नहीं तो हम भरी रोडों पे नहीं भगाते। डर लगता है ना आजकल का जवान बच्चा है, 20 साल का। बट हाँ एक चीज, अगर आप गाड़ी दिलाते हैं तो एक चीज कर देना, बच्चे को स्टंट के लिए मना कर देना कि भाई स्टंट मत मारना। स्टंट मारने के लिए तो दोस्त कहते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, फिर तो गलत चीज है। मैं डरता हूं। नहीं फिर तो स्टंट अगर नहीं फिर स्टंट के लिए तो मैं तो मना कर दूंगा। कि तुम सही कह रहे हो, तुम सारी बात तुम्हारी बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्टंट मैं जानता हूँ, मेरे पास भी जैसे गाड़ी है ना, तो बच्चे छोटे बड़े सब कहते हैं भैया आगे वाला चक्का उठाओ, भैया आगे वाला चक्का उठाओ। मैं कहा यार तुम अभी 6 साल पैदा नहीं हुए, तुम मेरे को बोल रहे हो कि भैया आगे वाला चक्का उठाओ, भाई क्यों उठाऊं मैं? एक अच्छी गाड़ी, अब इसको जितना प्यार से चलाओगे ना उतनी लंबी और अच्छी चलेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर आप बाइक का गलत इस्तेमाल करोगे, स्टंट मारोगे, तो इंजन भी खुल जाएगा, गाड़ी भी खत्म हो जाएगी। और ऊपर से क्या है पता है क्या, स्टंट मारने से अपनी जान खतरे में होती है, जो सामने होता है उसकी भी जान खतरे में होती है। अभी मैं स्टंट मारते हुए लाता और आप बगल से जा रहे, मेरे को पता नहीं चलता, आपको भी ठोकता, मैं भी कहीं फिका जाता, तो फिर दिक्कत है ना। आपकी बात बिल्कुल बेसकीमती बात की आपने। तो स्टंट मारना कोई अच्छी चीज़ नहीं है अंकल, और मैं कभी स्टंट प्रमोट नहीं करता, ना मैं कभी मारता हूँ, और मैं हमेशा मना करता हूँ स्टंट के लिए, क्योंकि स्टंट कोई अच्छी चीज़ नहीं है इंडियन रोड्स के लिए, तो बिल्कुल नहीं है। ये तो अंकल जी सब, ये सब आपको राइडिंग गियर्स की दुकान पे मिल जाएगा। हाँ जहाँ पे आपको हेलमेट्स वगैरह मिलेंगे ना अच्छे कंपनी के, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स व्लव्स सब मिल जाएंगे, ग्लव्स जैकेट। ये हमने इसलिए पहन रखी है क्योंकि हम जैसे क्या होता है कभी कभार खाली रोडों पे बाइक स्पीड में चलाते हैं, कभी कुछ ना हो खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए हमने ले रखा। आप देख, आप छू के देख सकते हो कि कितने हार्ड शेल्स हैं, ये देखिए घुटने तकरीबन। हाँ कहीं कटेगा फटेगा नहीं, ठीक है, सारे इम्पैक्ट झेलेगा, हड्डियाँ उड्डियाँ नहीं टूटेंगी, बच जाएगा। ये सब फेफड़े उफड़े, एयर बैग नहीं है लेकिन चेस्ट प्रोटेक्टर्स है, ये आगे प्रोटेक्टर्स है, पीठ पे भी है, पूरा पीठ पे भी है देखो। हाँ तो इसके लिए है अंकल, घुटने के लिए मैं अभी लूँगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। नहीं नहीं नहीं, ये सामान रखने के लिए है, फ़ोन पानी की बोतल कैमरा वैमरा छोटी मोटी चीज़ें, हम बैग लेके नहीं चलते ना, तो हमारे पास बस यही होता है एक छोटा सा बैग। ये है अंकल जी, आशा करता हूँ आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है मेरे को सपोर्ट कैसे करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और मेरी पिछली पुरानी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे आई बटन के सेक्शन पे, नहीं तो आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। एंड भाई मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, जय हिंद।